हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू क्लियर जेआईबी फास्ट अटेम्प्ट। मुझे पता है जेआईबी का सिलेबस चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है अभी सिलेबस, थोड़ा हार्ड लगेगा। तो मैं डिस्कस करूंगा आप फर्स्ट जो अटेम्प्ट है उसमें आप क्या करेंगे या फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्यों करेंगे जेआईबी एग्जाम क्लियर, कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पता है चार पेपर है, पहले तो तीन पेपर था, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, फिर आपका आ गया अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये चार पेपर है, ठीक है, फोर पेपर है। और ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी पेपर इम्पोर्टेंट नहीं है, हर पेपर इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में आपको क्वालिफाई करना है। तो एक एक जो क्वेश्चन यहाँ पे, एक एक जो पेपर है, हर एक पेपर का कितना मॉड्यूल है, ए बी सी डी, फोर मॉड्यूल आपका है, फोर मॉड्यूल, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन है दैट इज 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा, उसमें आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल आएगा, आ सकता नहीं, न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली आएगा। और मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब एमसीक्यू है। आपको पता है नहीं पता है फिर भी आप टिक मार के आएंगे। और जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मैं बता दूं टोटल 200 मार्क्स है चारों, टोटल 200 मार्क्स आपको कैरी करना है। कितना में, आउट ऑफ 400 मार्क्स में आपको 200 मार्क्स आपको लेना है, ठीक है। और हर एक पेपर में 45 ईच चाहिए तभी क्या होगा, हर एक पेपर पास आपका कहलाएगा, लेकिन कंडीशंस है कि 200 मार्क्स उसमें होना चाहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको करना चाहिए इसलिए क्योंकि ये जो एडवांटेज है 45 इन ईच मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको मिलेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो यहां से आपको पिक करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट इजी लग रहा है। जैसे कि मैं बता दूं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये पर्टिकुलरली हो सकता है एक कैंडिडेट के लिए ये थोड़ा डिफिकल्टीज में है, ठीक है, लेकिन वही कैंडिडेट के लिए ये पेपर इजी है। तो यहां पे आपको ट्राई करना है कि यहां पे मैं 45 के ऊपर लाऊं और यहां पे मुझे क्या करना है 60 के करीब लाना है ताकि टोटल में आपको दिक्कत ना आए। टोटल आपको कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स आपको कैरी करना है। तो यहां से आपको अपना जो वीकनेस है, अपना जो स्ट्रेंथ है, वो आपको खुद से डिसाइड करना है, इसमें से कौन सा, जो चारों पेपर में से कौन सा पेपर, कौन सा दो या तीन पेपर हो सकता है आपका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है और कौन सा पेपर आपका वीक पॉइंट है। तो वीक जो पेपर है उसमें आपको क्या करना है, 45 के ऊपर आपको लाना है, ये आपको टारगेट रहेगा। और जो स्ट्रांग पेपर है वहां पे मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आएंगे तो 200 जो मार्क्स है टोटल क्राइटेरिया वो आपका फुलफिल हो जाएगा। फिर यहां पे मैं बता दूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बेनिफिट आपको मिलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है इसके लिए आपको लॉन्ग, हो सकता है इसके लिए आपको 6 महीने ज्यादा आपको पढ़ाई या तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट को मत छोड़िए क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एडवांटेज आपको मिलेगा वो नेक्स्ट अटेम्प्ट जब करेंगे तो ये एडवांटेज आपके पास नहीं रहेगा। तो टोटल आप दे सकते हैं 5 अटेम्प्ट्स और 3 इयर्स तक दे सकते हैं और 5 अटेम्प्ट तक आप क्लियर कर सकते हैं। कोई कोई बंदा होता है कि एक एक पेपर में हर एक 6 महीने के बाद क्वालिफाई करूंगा, तो मेरे ख्याल से ये आपका गलत सोच है। इससे अच्छा है आप अपना थोड़ा 6 महीना, जो 6 मंथ है, वो अपना तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आप कम बैक कीजिए और जेआईबी एग्जाम क्लियर कीजिए। तो मेरा कहना कि ये है फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एडवांटेज है वो आप जरूर उठाइएगा क्योंकि उसके बाद आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ये है हाउ टू क्लियर द जेआईबी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और इसके लिए आपको थोड़ा तकलीफ या थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आई नो कि बैंकर्स जो होते हैं वर्किंग लाइफ में बहुत प्रेशर है, फिर भी
आप बैंक में नौकरी कर रहे हो, मतलब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे के कर रहे हो, सो यू हैव द टैलेंट, अपने आप को पहचानिए, आपके पास टैलेंट है। और ऐसा नहीं है कि कोई कोई बंदा बोलता है अरे भाई हम तो पढ़ा ही नहीं, हम तो लास्ट वीक में आके थोड़ा पढ़ के पास गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क इज मैंडेटरी, और थोड़ा बहुत लक चाहिए। तो दोनों ही मुझे विश्वास है कि दोनों ही एक कैंडिडेट को चाहिए जीआईबी क्लियर करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग प्रिपेयर अच्छे से कीजिए और होपफुली फर्स्ट अटेम्प्ट को थोड़ा आप लोग इम्पोर्टेंस ज्यादा दे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडवांटेज होता है। और जीआईबी क्लरिकल के लिए एक ऑफिसर के लिए भी एक आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसका एडवांटेज बहुत सारा है आपका। तो ये सोच के आप अभी से अगर कोई तैयारी नहीं कर रहा है तो इम्पोर्टेंस देके उसको तैयारी करके जीआईबी को क्वालिफाई कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द जीआईबी first attempt. Hope you like the video, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.